पेटू महाराज। कई साल पहले एक महासाम्राज्य का पालन एक महाराज किया करते थे। उनका नाम था राजा सिंह। वो अव्वल दर्जे के पेटू थे। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहते थे। उनके खाने के मेज पर तरह तरह के खाने के चीजें पड़े रहते थे। खा खाकर वो बहुत मोटे हो चुके थे। एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखकर सोचा, छी, मैं क्या इतना मोटा हो चुका हूँ? खाना कम किए बगैर दुबला होने का कोई मार्ग हो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। दूसरा दिन उन्होंने ढंढोड़ा पिटवाया, सुनो सुनो सुनो, महाराज को दुबला होने का दवाई देने वाले को 1,00,000 का इनाम मिलेगा। खाना कम किए बिना दुबला होने का दवाई अगर किसी के पास हो तो वो तुरंत महाराज से मिले। सुनो सुनो सुनो। इसके बाद रोज एक वैद्य आता था और महाराज को कोई जड़ी बूटी दे जाता था। पर उन्हें खाने के बाद भी जब महाराज दुबले नहीं हुए, उन लोगों को उन्होंने जेल में डलवा दिया। एक दिन एक व्यक्ति राज्यसभा आ पहुंचा। महाराज, मेरा नाम चारी है, आयुर्वेद करता हूं, जड़ी बूटियां देता हूं और ज्योतिष भी हूं। मैं जानता हूं दुबले होने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो। कई सारे हकीमों को अपने जेल में भी डलवा दिया, पर क्या आपको पता है आपको दुबला होने की जरूरत ही नहीं है? महाराज ने कहा, दुबला होने की जरूरत ही नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम, समझाओ। चारी ने कहा, जी महाराज, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी मृत्यु 6 महीने के अंदर होने वाली है, इसलिए इन 6 महीनों में जो जी में आता है खाइए और आनंद से मृत्यु को गले लगाइए। मैं यही बताने आया था। महाराज ने गुस्से में कहा, मूर्ख, तू मुझसे मजाक कर रहा है? तेरी ज्योतिष पे मुझे भरोसा ही नहीं। मेरी कुंडली के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। सैनिकों, इसे तुरंत कारागार में बंद कर दो। तुम्हें 6 महीना जेल में रखा जाएगा। अगर मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं अपने ही हाथों से तुझे मार डालूंगा। इसके बाद चारी को कारागार में बंद कर दिया। एक दिन महाराज खाने पर बैठकर सोच रहे थे। अरे, वो इतना दावे से कह रहा था, क्या ये सचमुच घट जाएगा? अगर मैं सच में मर जाऊंगा तो डर के मारे मेरी भूख भी मर गई है। छिछी, ये कहकर वो खाना छोड़कर उठ गए। इसी बात को सोचते हुए रात को उन्हें नींद नहीं आती थी और वो करवटे लेते थे। इस तरह कुछ महीने चलता गया। उनका खाना कम होता गया और महाराज बहुत दुबले हो गए थे। 6 महीने बाद उन्होंने चारी से कहा, देखा तुमने, मैं तो जिंदा हूं। मैंने साबित कर दिया कि तुम्हें ज्योतिष नहीं आता। अब मैं अपने हाथों से तुझे मरण दंड दूंगा। चारी ने कहा, जी, मेरी ज्योतिष गलत है, क्योंकि वो सच थी ही नहीं, पर मैंने जो उपचार किया वो बढ़िया काम कर गया। क्या आपने देखा कि आप कितने दुबले हो गए हो? मैंने आपके दिलो दिमाग में डर बिठा दिया, इसके वजह से आपका खाना कम हो गया, इसलिए आप दुबले हो गए। खाना कम किए बगैर कोई इंसान दुबला नहीं बन सकता। मैंने आपका इतना सहायता किया और आप मुझे मरण दंड देंगे? जरा सोचिए महाराज। तब महाराज ने कहा, शाबाश चारी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। खाना कम किए बगैर दुबला होने का सोच मेरी मूर्खता थी। आगे से खाने के मामले में मैं सावधानी बरतूंगा। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। ये कहकर उसने 1,00,000 रुपए चारी को दे दिए। चारी बहुत ही खुश होकर वहां से चला गया। तो बच्चों, खाने के विषय में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वही खाना खाना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए अच्छी हो। अच्छी लगी हमारी कहानी? बंदरों का उपवास। नीलगिरी पर्वतों के जंगलों में सारे जानवर बहुत प्यार से रहा करते थे। एक दिन एक बंदर ने बाकी जानवरों से कहा, दोस्तों, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। कल मैं नजदीक के गांव के मंदिर में नारियल के टुकड़े के लिए गया हुआ था। वहां एक साधु का प्रवचन सुना। हमारी सारी बीमारियों का जड़ बहुत ज्यादा खाना है, इसलिए महीने में अगर एक दिन उपवास रखें तो सेहत के लिए अच्छा होता है। सियार ने पूछा, उपवास वो क्या होता है? कहां मिलता है वो? दिखने में कैसा है? बंदर ने कहा,
उपवास का मतलब होता है कुछ भी खाए बिना रहना। ऐसा करने से हमारे शरीर के पाचन शक्ति को थोड़ा आराम मिलता है। ऐसा करना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह से शाम तक कुछ भी खाए बिना रहना, इसे ही उपवास कहते हैं, खरगोश ने कहा। तो देर किस बात की, अभी शुरू कर देते हैं। भालू ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, आज ही तो बताया है, आज पेट भर के खा ले, कल उपवास कर लेंगे, क्या बोलते हो? उस दिन सारे जानवरों ने पेट भर के जो मिला वो खाया। दूसरे दिन सुबह वो सारे एक जगह जमा हो गए ताकि एक साथ मिलके उपवास कर सके। कछुए ने कहा, मेरे दोस्त तुम सब तैयार हो तो हम उपवास शुरू कर सकते हैं। बंदर ने कहा, रुको रुको, हम सब उपवास करेंगे तो शाम तक सब थक जाएंगे, फिर शाम को शिकार पे निकलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अभी हम अपना खाना जुगाड़ करके रख ले, फिर उपवास शुरू करते हैं। हाथी ने कहा, ये ठीक है, चलो जाके खाना संग्रह करते हैं। फिर सारे जानवरों ने जाकर बहुत सारे केले संग्रह करके एक जगह लाके रख दिए। फिर उन्होंने उपवास शुरू किया।